को बिगिन करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जनरल असेंबली को डिस्कस करेंगे जो कि प्रिंसिपल ऑर्गन है ऑफ यूनाइटेड नेशंस ठीक है तो आ... आर्टिकल सेवन जो है हमारा यू एन चार्टर का वो बताता है कि द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ़ यूनाइटेड नेशनज आर जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल आई सी जी देट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेट ये हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं ठीक है यूनाइटेड नेशंस के जो यूनाइटेड नेशन के सारी वर्किंग्स और डीलिंग्स को परफॉर्म करते हैं ठीक है तो लेट्स डिस्कस योर जनरल असेंबली सबसे पहले कॉम्पोजिशन देखते हैं सो जनरल असेंबली इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ़ यूनाइटेड नेशन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का आर्टिकल नाइन ऑफ यूएन चार्टर लेस डाउन द कॉम्पोजिशन ऑफ जनरल असेंबली जो आर्टिकल नाइन है यूएन चार्टर का उसमें जनरल असेंबली के कॉम्पोजिशन मैंशन है ठीक है इट सेट्स एट जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेबर्स यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं दे ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली ठीक है तो जनरल असेंबली में जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ या दे आर द पार्ट्स ऑफ जनरल असेंबली ठीक है ईच मेंबर मे नॉट हैव मोर देन फाइव रिप्रेजेंटेटिव इन द जनरल असेंबली मेंबर्स से मतलब है अ स्टेट ठीक है तो यहाँ बोल रहे हैं कि ईच मेंबर में नॉट हैव हाँ मोर देन फाइव रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने भी मेबर स्टेट्स हैं उनके पाँच से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होने चाहिए इन द जनरल असेंबली ये इसका कंडीशन है एट प्रेजेंट देर आर 193 नाइनटी थ्री मेम्बर्स इन द जनरल असेंबली और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में वन नाइनटी थ्री स्टेट्स जो हैं वो जनरल असेंबली का पार्ट है मतलब वन नाइनटी थ्री आर द मेंबर्स ऑफ वन स्टेट्स आर द मेबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ठीक है क्योंकि हमारा कॉम्पोजिशन फिर आता है वोटिंग सिस्टम का क्या प्रोसीजर है तो आर्टिकल एटीन आर्टिकल नाइन में कॉम्पोजिशन था आर्टिकल एटीन वोटिंग सिस्टम है, सो मेंबर ऑफ जनरल हैज़ ओनली वन वोट, मतलब भले जो मेंबर है वो पांच या चार रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा रहा है लेकिन उन सारे रिप्रेजेंटेटिव का एक ही वोट है मतलब एक मेंबर का एक ही वोट होना चाहिए जनरल असेंबली के इलेक्शन प्रोसीजर में ठीक है डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सचेज ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाता है दे आर टेकन बाई टू थर्ड मजारिटी ऑफ मेम्बर्स प्रेजेंट इन वोटिंग जो इन सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं भी बताऊँगी उन सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो कैसे लिया जाता है दैट ऑन द बेिस ऑफ टू थर्ड मजारिटी ऑफ मेम्बर्स प्रेजेंट इन वोटिंग मतलब जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनका टू थर्ड मजोरिटी अगर है तो उसके बेसिस पर ही डिसीजन फाइनलाइज किया जाता है टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ मेबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ठीक है अब कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ठीक है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के रिगार्ड में जो सब्जेक्ट्स हैं इलेक्शन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल किस तरीके से नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन किया जाएगा उसके रिगार्ड में डिसीजन देन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो दो और ऑर्गन है हमारे यू के ट्रस्टीशिप काउंसिल और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उसके मेंबर्स का इलेक्शन एडमिशन शन एंड एक्सपल्जन ऑफ मेंबर्स ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था इसके अलावा ट्रस्टीशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एंड प्लस बजट्री मैटर्स ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन लिया जाता है दे आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ टू थर्ड मेजारिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ठीक है द अदर क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाई सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग और जो बाकी जी, इसके अलावा जो भी अदर क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी के अलावा वो जनरल सिंपल मेजार्टी से लिए जाते हैं एंड मेजारिटी ऑफ मेंबर्स मेबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटिंग क्लियर

डिस्क्रिप्शन ऑफ द जनरल असेंबली क्लियर इन द फ्रेजेज एबव यूज अंडर आर्टिकल एटीन मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अभी हमने दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चन में ये यूज़ किया था कि कौन लोग uh, का मजोरिटी कंसिडर करा जाएगा तो इसमें बताया कि मेम्बर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सो विद दिस वी मीन द टर्म प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एट द मीटिंग वैन द वोट इज टेकिन ठीक है जिस दौरान वोटिंग हो रहा है जिस दौरान वोट लिया जा रहा है उस मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट हैं उन, उन उतने लोग की प्रेजेंट मेबर्स का टू थर्ड मजारिटी या सिंपल मजारिटी दैट विल भी काउंटेड ठीक है ये हो गया हमारा वोटिंग प्रोसीजर अब आते हैं फंक्शंस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स ऑफ जनरल असेंबली सो फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स ऑफ जनरल असेंबली आर लेड डाउन अंडर आर्टिकल टेन टू सेवनटीन ऑफ चार्टर जो यू चार्टर के आर्टिकल टेन से लेकर आर्टिकल सेवनटीन तक सारे मेजर फंक्शन जो हैं वो इन आर्टिकल्स में मैंशन है जनरल असेंबली के एंड देर आर बेसिक एट फंक्शंस एट फंक्शन हैं जनरल फंक्शंस देन दूसरा प्रमोशन ऑफ़ इंटरनेशनल कॉपरेशन ठीक है इंटरनेशनल लेवल पर कॉपरेशन मेंटेन करना प्रमोट करना थर्ड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ठीक है फोर्थ आपके इलेक्टिव फंक्शन फिफ्थ फंक्शन रिलेटिंग टू एडमिशन सस्पेंशन एक्सपल्जन ऑफ मेम्बर्स सिक्स फाइनेंशियल फंक्शन सेवेंथ सुपरवाइजरी फंक्शन एंड द लास्ट मिसलिनियस फंक्शन चलो इनकी डिटेल्स जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं पहला है जनरल फंक्शंस सो जनरल असेंबली इज़ डेलीबरेटिव बॉडी इट हैज़ पावर्स ऑफ डिस्कशन इन्वेस्टिगेशन रिव्यू सुपरविजन एंड टू क्रिटिसाइज इन रिलेशन टू द वर्क ऑफ यू एन एज अ होल जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं यूएन से रिलेटेड वो सारे जनरल असेंबली डील करती है ठीक है इसके पास पावर है कि कोई भी मैटर है उसका डिस्कशन करना इन्वेस्टिगेशन करना रिव्यू करना सुपरवाइज करना ठीक है सुपरविजन करना प्लस जितने भी वर्क हो रहे हैं यूएन के रिगार्ड यूएन से रिलेटेड ठीक है उसमें क्रिटिसिजम भी करता है जनरल ये इसका जनरल फंक्शन है जनरल असेंबली का आर्टिकल टेन कन्फर्स अपॉन असेंबली अ वेरी वाइड पावर बाय प्रोवाइडिंग दैट असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन और ऑन एनी मैटर विद इन द स्कोप ऑफ चार्टर और रिलेटिंग टू पावर्स इन फंक्शन ऑफ़ एनी ऑर्गन ठीक है आर्टिकल टेन जो है यू चार्टर का उसने असेंबली को बहुत इंपॉर्टेंट वाइड पावर दिया है कि असेंबली जो है वो किसी भी तरह के क्वेश्चन के ऊपर किसी भी तरह के मैटर के ऊपर डिस्कशन कर सकती है जो मैटर या जो क्वेश्चन चार्टर के स्कोप के अंदर आता है यू चार्टर के ठीक है इसके अलावा वो किसी भी पावर्स एंड फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकती है जो कि किसी जनरल असेंबली के अलावा किसी और ऑर्गन के एम्बिट में आता है ठीक है आफ्टर डिस्कशन द असेंबली में मेक रिकमेंडेशन ऑन दीज क्वेश्चन एंड मैटर्स टू द मेबर स्टेट्स और सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है जो भी डिस्कशन हो गए उन मैटर्स के ऊपर उसके बाद जो जनरल असेंबली है वो सिक्योरिटी काउंसिल को रिकमेंडेशन करती है उन और मैटर्स के रिगार्ड में प्लस जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको भी रिकमेंडेशन करता है ठीक है ये भी इसका जनरल फंक्शन के अंदर आता है उसके बाद हाएवर द फंक्शन ऑफ डिस्कशन इज सब्जेक्ट टू वन रेस्ट्रिक्शन लेकिन ये जो उसका फंक्शन है कि ये फ्रीली डिस्कशन कर सकता है वाइड पावर के अंदर डिस्कशन कर सकता है तो ये जो डिस्कशन का पार है ये एक रेस्ट्रिक्शन के विदिन है ठीक है इसके ऊपर एक एक्सेप्शन कह लो या रेस्ट्रिक्शन कह लो जो कि आर्टिकल टू क्लॉज सेवन में है ऑफ चार्टर विच प्रोहिबिट्स इंटरवेंशन ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट कि ये किसी भी क्वेश्चन और मैटर के ऊपर डिस्कशन कर सकता है जो यूएन चार्टर के स्कोप में आता है लेकिन उन ये किसी भी स्टेट के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवेंट इंटरवीन नहीं करेगा उसमें दखलअंदाजी नहीं देगा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही डिस्कशन करना होगा एनालिसिस करना होगा इन्वेस्टिगेशन करना होगा तो ये पहला हो गया हमारा जनरल फंक्शन पहली बात ये बोला कि डेलिबरेटिव बॉडी है डिस्कशन करता है करने का पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है रिव्यू का, का सुपरविजन का और क्रिटिसाइज़ करने का आर्टिकल टेन में बताया गया कि असेंबली जो है वो किसी भी ऐसे क्वेश्चन और मैटर के ऊपर डिस्कस कर सकती है जो कि चार्टर के स्कोप के अंदर आता है ठीक है असेंबली जो है फिर उन डिस्कशंस को फर्दर रिकमेंड करेगा उन क्वेश्चंस को को प्लस सिक्योरिटी काउंसिल को या फिर दोनों को और लेकिन ये जो फंक्शन है ये जो पावर है ये रेस्ट्रिक्शन के अंदर है दैट इट शुड प्रोहिबिट इंटरवेंशन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ द स्टेट पहला हो गया जनरल फंक्शन ठीक है दूसरा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इसका दूसरा फंक्शन है कि इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करने में अपना योगदान देता है आर्टिकल थर्टीन ऑफ द चार्टर कन्फर्स टू द असेंबली स्पेसिफिकली टू इनिशिएट स्टडीज़ एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर दर्पज़ ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपोरेशन यू एन चार्टर का जो आर्टिकल थर्टीन है वो स्पेसिफिकली इसी फंक्शन के बारे में बात करता है वह जनरल असेंबली के ऊपर एक कॉन्फर करता है कि वो इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए किसी भी तरह की स्टडीज़ को इनिशिएट कर सकता है जनरल असेंबली प्लस जो भी और ऑर्गन्स हैं उनको इसके रिगार्ड में इसके पर्पज़ में इसके प्रमोशन के लिए और स्कीम्स हो गई और जो भी आ, अलग एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकमेंडेशन कर सकता है ठीक है फर्स्टली द प्रमोशन ऑफ़ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन पॉलिटिकल फील्ड एंड एनकरेजिंग द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स कोडिफिकेशन देखो दो तरह से इसकी जो प्रमोशन है इंटरनेशनल कॉपरेशन का वो दो आ, नो you पार्ट्स know, में होता है पहला फर्स्टली द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन पॉलिटिकल फील्ड जितना पॉलिटिकल फील्ड है उसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करना ठीक है और इंटरनेशनल लॉज को इंटरनेशनल uh, जितने भी लीगल्स इंटरनेशनल लेजिलेशन है उनका डेवलपमेंट करना उनका कोडिफिकेशन करना एंड सेकेंडली द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एजुकेशन एंड हेल्थ फील्ड मतलब पॉलिटिकल फील्ड के अलावा और बाकी जितने भी स्फेयर हैं इकोनॉमिक सोशल कल्चरल एजुकेशन हेल्थ फील्ड इन फील्ड्स के अंदर इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करना

दूसरा हो गया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन आर्टिकल थर्टी ने बताया था अभी थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ठीक है कि इसका ये फंक्शन है कि पूरे क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली स्टेबलिश ही इसी पर्पज़ से हुआ था कि कोई भी वॉर ना वॉर का सिचुएशन ना हो फर्दर ठीक है क्रिएट प्लस इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि पीस एंड सिक्योरिटी को मेटेन करना तो यही जनरल असेंबली का की फंक्शन है कि ऑल दो मेनटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे तो उसमें यह कि सबसे जो प्राइमरी फंक्शन है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का वो सिक्योरिटी काउंसिल का होता है बट स्टिल जनरल असेंबली बीइंग एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन आल्सो परफॉर्म सच फंक्शन लेकिन क्योंकि जनरल असेंबली भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है तो वो भी ये फंक्शन को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल इलेवन असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ठीक है असेंबली जो है वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के रिगार्ड में किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर सकता है मीटिंग्स को बुलाकर डिस्कशन ऑन सच क्वेश्चंस टेक प्लेस वैन दे आर ब्रॉड बिफोर द असेंबली बाई एनी मेबर ऑफ़ यूनाइटेड नेशन और बाई द सिक्योरिटी काउंसिल और डिस्कशन बेसिकली इन इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर तभी होते हैं जब या तो सिक्योरिटी काउंसिल या कोई और मैंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन उससे रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जनरल असेंबली के सामने लाते हैं ठीक है कि ये प्रॉब्लम है या फिर ये चीज़ है इसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है उसके बाद ही जनल असेंबली उन मैटर्स और उन क्वेश्चन के ऊपर अपने डिस्कशन को इिशिएट करता है आफ्टर डिस्कशन अम्बली में मेक रिकमेंडेशन ऑन एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी टू दिस स्टेट्स और टू सिक्योरिटी काउंसिल और टू बहुत और डिस्कशन होने के बाद जो भी रिकमेंडेशन करनी होती है वो जनरल असेंबली उन क्वेश्चन से रिलेटेड करता है या तो स्टेट्स को या सिक्योरिटी काउंसिल को या फिर दोनों को ही ठीक है आर्टिकल फोटीन ये जो था ये आर्टिकल इलेवन में बताया था कि कैसे डिस्कशन uh, का प्रोसेस होता है इन रिगार्ड टू द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी नाउ आर्टिकल फोटीन सेट्स दैट जनरल असेंबली में रिकमेंड मेजर्स फॉर पीसफुल एडजस्टमेंट ऑफ एनी सिचुएशंस रिगार्डलेस ऑफ ओरिजिन विच इट डीप्स लाइकली टू द जनरल वेलफेयर ऑफ फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस ठीक है जो आर्टिकल फोटीन है वो क्या बताता है बेसिकली जनरल असेंबली को ये यू uh, नो you know, uh, ये पावर बताता है कि वो कि कोई भी पीसफुल uh, क्योंकि इसका फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी तो किसी भी रिगार्ड में पीसफुल एडजस्टमेंट्स करने के लिए किसी भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कोई डिस्प्यूट है किसी भी तरह का मैटर का तो उस तरह की सिचुएशन में पीस को मेंटेन करने के लिए कोई भी मेजर्स हैं वो जनरल असेंबली रिकमेंड कर सकता है उस स्टेट को उस आ, जो भी कंट्री आ रहा है कोई भी मेंबर स्टेट है चाहे वो नॉन मेंबर स्टेट है वो सबको सबके लिए वो मेजर्स प्रोवाइड कर सकता है रिकमेंड कर सकता है फॉर हैविंग अ जनरल वेलफेयर और फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस ठीक है फोर्थ हमारा फंक्शन है इलेक्टिव फंक्शन सो जनरल असेंबली इज कॉमनली नोन एज सेंट्रल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन बिकॉज इट इलेक्ट सम और ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ़ यूनाइटेड नेशन देखो जनरल असेंबली जो है वो यूनाइटेड नेशन का सेंट्रल बॉडी मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑर्गन है ही इसलिए सेंट्रल बॉडी कंसिडर किया जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के उसके ऑलमोस्ट सारे या सारे से थोड़े ही कम सारे के सारे मेंबर्स को जनरल असेंबली ही इलेक्ट करता है ठीक है चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन uh, पे करे दैट्स अ डिफरेंट थिंग असेंबली इलेक्ट्स ऑल द टेन नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल के सारे के सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स को जनरल असेंबली इलेक्ट करता है असेंबली इलेक्ट्स ऑल द फिफ्टी फोर मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के सारे फिफ्टी फोर मेंबर्स को जनरल असेंबली इलेक्ट करता है इट इलेक्ट सम मेंबर्स ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल के भी कुछ मेंबर्स को ये इलेक्ट करता है इट इलेक्ट्स फिफ्टी जजेज ऑफ आईसीजे आईसीजे के टोटल फिफ्टीन जजेस हैं वो भी जनरल ही इलेक्ट करता है Security, uh, Secu, uh, और यूनाइटेड नेशन केटेंट डेजिग्नेशन है सेटरी जनरल का वो भी जनरल असेंबली अपॉइंट करता है अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल असेंबली इलेक्ट में फॉर सब्सिडरी ऑर्गन विच में बी क्रिएटेड बाई इट और इस, इन सब चीजों के अलावा इन सब इलेक्शन के अलावा जनरल असेंबली अगर और कोई भी सब्सिडरी ऑर्गन क्रिएट करता है यूएन के अंदर तो उसके मेंबर्स भी जनरल असेंबली ही इलेक्ट करता है तो ये हो गया इसका बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्टिव फंक्शन ठीक है नेक्स्ट आता है फंक्शंस रिलेटिंग टू एडमिशन सस्पेंशन एंड एक्सपर्जन ऑफ द मेंबर्स ठीक है ये हमने पहले पढ़ लिया है कि एडमिशन कैसे होता है सस्पेंशन कैसे, कैसे होता है और एक्सपर्जन कैसे होता है और कुछ कौन आर्टिकल्स में ये मैंशन है ठीक है तो आपका आप लोग ये कॉमेंट में लिख के बताइए कि सस्पेंशन एंड एक्सपल्शन ऑफ द मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये किस आर्टिकल में है ठीक है सो अ मेंबर इज एडमिटेड टू द यूनाइटेड नेशन बाय असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जितने भी मेंबर्स एडमिट किए जाते हैं इनका भी एडमिशन ऑफ़ है यूनाइटेड नेशन में वो जनरल असम्बली द्वारा होता है अपन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल द असेंबली ऑल्सो कॉपोरेट्स विद द सिक्योरिटी काउंसिल इन द रिक सस्पेंशन ऑफ मेबर स्टेट्स अगेंस्ट विच इन्फोर्समेंट एक्शन इज बिंग टेकन और सस्पेंशन के प्रोसीजर में भी असेंबली ही यू नो कॉपोरेट करती है अलॉग विद द सिक्योरिटी काउंसिल एंड एक्सपल्शन ऑफ दोज विच हैव बीन परसिस्टेंटली वॉलेटिंग द प्रिंपल ऑफ द चार्टर एंड विद द एक्सपल्शन ऑफ मेंल्सो अगर किसी ने कोई वॉलेट किया कोई प्रिंसिपल या कोई भी एथिक या कोई भी अब्लिगेशन तो ऐसे मेंबर को भी एक्सपेल करने का रोल है जनरल असेंबली का अलॉग विद दिक्योरिटी काउंसिल ठीक है तो ये हो गया हमारा एडमिशन एक्सपल्शन और सस्पेंट

दी शेयर ऑफ एक्सपेंसिस टू बी बॉर्न बाई ईच मेबर और जितने भी मेबर स्टेट्स हैं वो कितना कितना शेयर ऑफ एक्सपेंस को बॉर्न करेंगे मतलब कितना बियर करेंगे कितना रेशियो ऑफ एक्सपेंसिस दे हैव टू बियर इन द ट टोटल बजट ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमारा जनरल असेंबली की डिसाइड करता है तो ये हो गया इसका फाइनेशियल फंक्शन नेक्स्ट है सुपरवाइजरी फंक्शन ठीक है असम्बली सुपरवाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर ऑर्गन एंड ऑफ द स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू एन ओ के जितने भी uh, बाकी जितने भी ऑर्गन जनरल असम्बली के अलावा उन सारी एक्ट उन सबकी एक्टिटिटीज़ को सुपरवाइज़ करता है जनरल असेंबली और इसके अलावा जो भी जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसीज होती हैं उनके भी फंक्शनस uh, को उनकी भी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है आर्टिकल फिफ्टीन सेट दैट इट कंसिडर्स एनअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स होते हैं उनको कंसिडर करता है उनको गो थ्रू करता है प्लस इट ऑल्सो कंसिडर रिपोर्ट्स ऑफ द अर ऑर्गन्स उनके जितनी भी एक्टिविटीज जितने भी काम की उन लोग की रिपोर्ट्स uh, प्रिपेयर होती हैं उन सबको वो कंसिडर करता है लाइक द ऑर्गन्स ऑफ इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ट्रस्टशिप काउंसिल एंड आई सी जे सेक्रेटरी डायरेक्ट एक्सेट्रा ठीक है तो योग्य इसका सुपरविजन सुपरवाइजरी फंक्शन और लास्ट फंक्शन इज मिसलिनियस फंक्शन सो आर्टिकल ट्वेंटी टू सेट्स दैट देखो बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो फंक्शन एंड पावर्स हैं वो आर्टिकल टेन टू आर्टिकल सेवनटीन तक है तो जितने मैंने भी सेवन फंक्शंस बताए उसमें आपके आर्टिकल सेवनटीन तक टेन से लेकर सेवनटीन तक ही हैं ये जो मिसलेनियस फंक्शन है ये आर्टिकल सेवनटीन के अलावा जो एक्स्ट्रा कुछ आर्टिकल है उसमें जो मैंशन है वो है मिसलेियस फंक्शन में ठीक है सो आर्टिकल ट्वेंटी टू स्टेट्स दैट इट मे स्टेब्लिश सच सब्सिडरी ऑर्गन एज इट मे डीम्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंशन ठीक है uh, कि uh, जितने ऑर्गन आर्टिकल सेवन में बताया वो तो हैं ही लेकिन इसके अलावा अगर जनरल असेंबली कोई भी सब्सिडरी ऑर्गन स्टैब्लिश करना है करना है तो उसके पास पावर है कि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करवाने के लिए किसी भी सब्सिडरी ऑर्गन को स्टेबलिश कर सकता है आर्टिकल ट्वेंटी वन जीरो एट सेट्स आर द चार्टर मेंट हैज बीन अडॉप्टेड बाई अट ऑफ टू थर्ड ऑफ द मेबर्स जनरल असेंबली इक्लूडिंग ऑल द मेबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल अगर भी जरूरत पड़े तो चार्टर को अमेंड भी किया जा सकता है बाय द वोट ऑफ टू थर्ड मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल होना जरूरी है तो यह काम भी है नेशन अब एक, तो एक लास्ट चीज देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है जनरल का सो आर्टिकल ट्वेंटी और आर्टिकल ट्वेंटी वन इसके बारे में बात करता है आर्टिकल ट्वेंटी जनरल असेंबली शैल मीट इन रेगुलर एनुअल सेशन ठीक है जनरल असेंबली को रेगुलर एनुअल सेशन की मीटिंग बुलानी चाहिए ठीक है बुलाता है प्लस स्पेशल सेशन ऑफ जनरल असम्बली में भी कन्वीन आइर बाय सिक्योरिटी काउंसिल और बाय द मेजारिटी ऑफ द मेम्बर्स और वेन वन मेंबर प्रपोजेस फॉर सच मीटिंग विद सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेबर्स य तो हो गया एनुअल जनरल जो रेगुलर सेशन होता है इसके अलावा स्पेशल सेशन भी बुलाया जा सकता है जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा भी uh, अगर वो कन्वीन करते हैं या मेजोरिटी ऑफ मेबर्स या फिर अगर कोई एक मेंबर भी इसके लिए प्रपोजल करता है कि हमको स्पेशल की स्पेशल सेशन कर

अपॉइंट करेगा जनरल असेंबली तो ये हो गया हमारा पूरा जनरल असेंबली का पार्ट फ्रॉम माय पार्ट कॉम्पोजिशन पढ़ा वोटिंग सिस्टम पढ़ा सारे फंक्शंस पर एट फंक्शंस पढ़े फिर प्रोसीजर पढ़ा ठीक है सो दिस वॉज इट इन जनरल असेंबली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी के सारे ऑडियंस सो फॉर दैट जस्ट स्टे ट्यून विद चैनल ठीक है डू शेयर द वीडियो डू लाइक द वीडियो इफ आर लाइकिंग द कॉन्टेंट डू ऑल्सो कॉमेंट डाउन हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेरी एन ऑल्सो यू कैन राइट ऑन इन द कॉमेंट सेक्शन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फरगेट टू हिट द बेलाइक एंड फॉर रिसीविंग ऑल द अपकमिंग अपडेट्स ऑफ एवरी अपकमिंग वीडियो सो दिस इज इट आई मीट यू अपन विद द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट कंटेंट इल देन कीप वॉचिंग लव इटा Take care. Bye bye.